तो जो असंध के पाल का अध्यक्ष आए, उन्होंने गुरु भ्रष्ट को लड़का पकड़ के और काट के और छोटे छोटे टुकड़ा करके और जो आकाश के पक्षी है उन पक्षी ने खाए। क्यों? कि गुरु भ्रष्ट महाराज को जीवित नहीं कर ले। शाम का समय हो गया और शाम के समय सब चेला दिखाई दे, एक चेला दिखाई ना दे रहा। गुरु शुक्राचार्य की कन्याएं जिसका नाम है देवयानी और देवयानी और कुछ कच्छ बेटा से प्रेम करती है। देवयानी ने अपने पिता से कहा, पिताजी क्या इसे चेला दिखाई दे रहे हैं और एक कच्छ नाम का तुम्हारा चेला है, कुछ दिखाई ना दे रहा हूं। आरो बेटा को खेल लो, आ जाओ के ना ही तुम टाइम है, वो आओ ही ना। तो शुक्राचार्य कितने बड़े विद्या के धनी थे के आसन लगा कर बैठे और आसन लगा के बैठे तो ध्यान भी आए कैसे I'm not afraid.
जीवित किया है। देवयानी ने कही है अब तो निकल के रह सकते हो मन लियो। महीना दो महीना बीती तो भाई और पालक ने सलाह भरे और सलाह भाई तो एक अदना पल्ले फिर भर गो। असुन के बारे में की ऐसे पेश ना जाई बा बालक को काट के रेख बनाए के और गुरु गुरु प्रसाद बनाए के और चाय की गुरु बालक किस्म कपाए गए।